आज आप लोगों को एक सीक्रेट शेयर करेंगे हम कि इतने एनर्जेटिक और इतने एक्टिव कैसे रहते हैं। तो चलिए देखिए हम उसमें क्या क्या डाल के कैसे बनाते हैं। तो राम राम प्रणाम, हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग में आज अपने हेल्थ को लेके क्या क्या हम करते हैं आज उसके विषय में बताएंगे। चूंकि 40 के बाद औरतों को क्या क्या करना चाहिए अपने सेहत का ध्यान देने, हाँ कंटिन्यू ही करना चाहिए। बीच में कुछ दिन किए फिर छोड़ के कोई और आप प्लेटफॉर्म पे गए, मैं सारी चीजें धीरे धीरे करके आप लोगों को बताऊंगी। तो बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए, चूंकि 40 के बाद महिलाओं में घुटने में दर्द, कमर में दर्द और बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें। तो उनके लिए मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, पर मुझे जो समझ में आता है मैं वो करती हूँ, जिससे मुझे बहुत बेहतर परिणाम मिलता है। हाँ, समय समय के साथ घुटने में दर्द बना रहता है उसका भी मैं एक बताऊंगी। डॉक्टर से भी आप इलाज कराएं पर घरेलू भी कुछ इलाज करें। तो चलिए आज मेरे हेल्थ टिप्स में देखिए क्या क्या है। तो धन्यवाद प्रणाम आप सबका, चलिए आगे बने रहें, वीडियो देखें। और कैसे हैं सभी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आइए आप लोगों को एक राज की बात बताते हो। राज की बात क्या है कि लोगों को ये लगता है कि मैं इतनी उम्र होती जा रही है उसके बावजूद मैं इतनी फिट कैसे रहती हूँ, तो उसका मैं राज बताऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती, योगा नहीं करती, खाती भी अच्छे से हो, जो मन करता है वो बनाती हूँ। आप लोग देख ही रहे हैं जहाँ तक है मेरे ब्लॉग को। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हम इतने चुस्त दुरुस्त कैसे रहते हैं, कैसे इतने एक्टिव रहते हैं, उसका राज बताते हैं। तो उसका राज ये है कि वो राज सब कुछ हमारे घर में, किचन में, मसाले में ही छिपा है और कहीं दूर नहीं छिपा है। तो चलिए अपने घर के किचन के मसाले से आप लोगों को हम परिचय कराते हैं कि क्या क्या है और उसका क्या क्या यूज करते हैं। तो पहले परिचय करा लेते हैं फिर बताते हैं आप लोगों को कि आगे उसको क्या हमें करना है, ठीक है। दो दाने इलायची के हो गए, इतना बड़ा टुकड़ा अदरक का हो गया। और इसके बाद ये देखिए हम डिब्बा खोलेंगे अपना, सब कुछ इन्हीं डिब्बों में और इन्हीं मसालों में है। आइसक्रीम का डिब्बा है तो आइसक्रीम ना समझें। एक बड़ा सा तेज पत्ता ले लेंगे क्योंकि एक ही बार के लिए मुझे बनाना है। और इतनी बड़ी दालचीनी का टुकड़ा ले लेंगे। और अगला क्या है वो भी डिब्बे में है, कहीं और नहीं। अब इनमें से आप सोच सकते हैं मुझे क्या लेना चाहिए। तो हमें लेना है जीरा, ये बहुत छोटा चम्मच है, थोड़ा सा और लेना है। तो मात्र मेरे किचन में यही है, इन्हीं सब चीज़ों से हम अपने आप को सवेरे का डाइट हम तैयार करते हैं। हाँ, लेना चाहे तो एक और चीज़ ले सकते हैं, उस चीज़ में एक चम्मच धनिया ले सकते हैं। यही इतने सामान हैं, यही है मेरे एक्टिव होने का राज, सवेरे सवेरे हम यही ले लेते हैं। अब इसको लेना कैसे है वो तरीका आपको हम बताते हैं। ग्लास लेंगे, एक गिलास पूरा पानी डालेंगे, आधा गिलास और पानी डालेंगे और इसको चढ़ा देंगे हम एक छोटी वाली गैस पे ही हम चढ़ाते हैं ताकि इस पर खूब अच्छे से पक के सारे रस निकल आए। इसी तरह से बारी बारी सबको करेंगे। अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या क्या डालती हूँ, क्या क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो देखिए तेज पत्ता को लेंगे, थोड़ा ऐसे चीरा लगाएंगे, पूरा नहीं थोड़ा, क्योंकि ऐसे करिए पूरा मिल जाए। फिर इसको डाल देंगे, दालचीनी को इसको दो तीन टुकड़े करेंगे ऐसे, इसको भी डाल देंगे और धनिया और जीरा इनको भी डाल देंगे। लेकिन इलायची को कूट के डालना है, इलायची को बिना कूटे नहीं डालना है, अदरक को बिना कूटे नहीं डालना है। इलायची डाल दिया, अब आया अदरक का नंबर। अदरक को भी मैंने डाल दिया, आप समझ लीजिए अदरक गैस भगाता है, जीरा गैस भगाता है, तेज पत्ता और दालचीनी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, बीपी कंट्रोल करता है, शुगर कंट्रोल करता है। तो इन सारी चीज़ों को
मेंटल रखता है, और धनिया आपके वजन को भी कम करता है, और क्या था, हाँ बस हो गया इतना आइटम। तो इसी को, इसको खूब बढ़िया से पहले हम खौलाएंगे, खौलाने के बाद ऐसे खुला नहीं खौलाएंगे, ढक्कन से ढक के खौलाएंगे। अब ये धीमे आंच पे, मीडियम आंच पे खौलेगा खूब अच्छे से। इसके बाद में, खोलने के बाद में फिर बताते हैं कि हम उसके बाद क्या करते हैं। अभी हमने न तो पानी पिया है, न तो चाय पिया है, कुछ भी नहीं पिया है। सबसे पहले हम इसी को पियेंगे। अब चीजों को अपने स्थान पे भी रखना है। तो कैसा लगा आप लोग बताएंगे, तभी मुझे समझ में आएगा कि क्या कैसा है। अब ये खोल जाता है, फिर अगला प्रोसेस आपको बताते हैं उसको पिएंगे कैसे, उसमें और क्या मिलाएंगे और क्यों मिलाएंगे। तो दोस्तों, ग्लास को हमने ले लिया है, इसमें छन्नी लगा देंगे और अब इसको देखेंगे कि ये कैसा हुआ, किस कंडीशन में पहुंचा है। तो हमारे सारे मसाले खोल चुके हैं खूब अच्छे से। अब गैस को करेंगे हम बंद और इसको गरम गरम छान लेंगे। और जो लास्ट में कुछ मिलाने के लिए हमने बोला था, तो उसके लिए मेरे बेटे ने मना कर दिया है कि मम्मी आप जो है नींबू मत पिया करिए, इसमें नींबू मिलाना होता है। तो नींबू पीने के लिए मना कर दिया, क्योंकि मेरे घुटने में दर्द बना रहता है, तो नींबू के लिए मना कर दिया था। अब इसको हम बिना नींबू के चाय की जगह इसी को पियेंगे। तो इससे मुझे बहुत बेहतर रिजल्ट मिलता था। पिछली बार हमने किया था तो मेरा 3 किलो वज़न घट गया था, और एक्सीडेंट में थोड़ा काम न कर पाने की वजह से वज़न बढ़ा था। फिर मैंने इसको लेना चालू कर दिया, फिर मेरा वज़न अपनी जगह पे सेट हो गया। इसको प्रॉपर न लें, जैसे मैं 15 दिन ले लिया, 15 दिन फिर छोड़ दिया, फिर 15 दिन ले लिया, 15 दिन फिर छोड़ दिया, ऐसे लेते रहेंगे तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। आप खुद ही देखेंगे, स्किन चमकेगी, बाल में एकदम से चमक बनी रहेगी और झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, यही सब चीज़ें इससे रहती हैं। तो बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि कैसे आप अभी भी, मतलब इतने बड़े बच्चे होंगे हैं उसके बावजूद कैसे फिट रहती हैं। तो यही सब मैं कुछ ना कुछ घरेलू चीज़ें करती रहती हूँ जिसकी वजह से फिट रहती हूँ। तो चलिए, मेरे वीडियो का देखने के लिए धन्यवाद, प्रणाम आप सभी का, और अपना प्यार सपोर्ट देना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कभी एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद, प्रणाम सभी को, राम राम।